अभी के पेंटिंग्स कुछ ऐसे होते हैं, मगर जरा इस पेंटिंग्स को देखो। इन सभी पेंटिंग्स को ड्रॉ रॉब गोंसाल्वेस ने किया है, और यहाँ पे ये बात फिट बैठती है कि ओल्ड इज गोल्ड होता है। बहुत सारे फाइटर्स के अपने अपने सिग्नेचर पोज होते हैं, मगर टोक्यो के रेसलिंग में मिसुकी नाम की रेसलर का जो सिग्नेचर पोज है उसे आप देख सकते हो, और ये हर मैच में ऐसा पोज देती है। लॉस एंजलिस में एक होटल है जहाँ पे एक आर्ट इंस्टॉल है, और उस आर्ट का नाम द बॉक्स है, और इस बॉक्स को उन्होंने मेन लॉबी में लगाए हैं, जिसके अंदर फेमस सेलिब्रिटीज या फिर मॉडल्स अपने रूम में क्या कर रहे हैं वो सब इस बॉक्स के अंदर दिखता है, और ये गेस्ट को वेलकम के लिए बनाया गया है। अभी जो मिरर शॉट को देख रहे हो, इस मिरर शॉट को लेने के लिए 5 घंटे लगे थे। दरअसल इस मिरर शॉट में जो मेन कैरेक्टर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मगर शॉकिंग बात ये है कि इस मिरर शूट में मिरर का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बल्कि मेन कैरेक्टर के जैसे दिखने वाले एक आदमी को सामने खड़ा किए थे, और इन दोनों के मोमेंट्स एक जैसे नहीं होते थे, और इसी वजह से इस शूट को शूट करने के लिए 5 घंटे लगे। इटालियन पुलिस लैम्बोर्गिनी यूरेगॉन को ड्राइव करती है ताकि वो 2 किडनीज को अपने पेशेंट के पास लेके जा सके, और इन्होंने 6 घंटे का रोड सिर्फ 2 घंटे में कवर किया, मगर इनके पास लैम्बोर्गिनी थी। और वहीं पे इंडिया में जो एम्बुलेंस होती है उसे आप देख सकते हो, यू आर व्हाट यू ईट। ये एक फोटो सीरीज है जो कि लोगों के फ्रिज बताती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयड इंसान का फ्रिज कुछ ऐसा होता है, कॉलेज स्टूडेंट का कुछ ऐसा, साइंस टीचर का कुछ ऐसा, और ग्राफिक डिजाइनर का कुछ ऐसा होता है। बाकी के फोटोज आप देख सकते हो। 2011 में साइप्रिन गेलार्ट ने एक पिरामिड बनाया था, और ये पिरामिड 72,000 इम्पोर्टेड बियर्स का था, और इसने पिरामिड बनाने के बाद लोगों को भी इनवाइट किया ताकि वो ये पी सके। अभी के टाइम में ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक कार से या फिर बाइक ले रहे हैं, और ज्यादातर अब ट्रेन भी इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, मगर सबसे ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो आप देख सकते हो, और ये ट्रेन हर साल 25 मिलियन पैसेंजर्स को ट्रेवल कराती है। 1997 की गेम्बल एक्सटेरिमो बी टूरबो स्पीडस्टर, ये जो गाड़ी है ये दुनिया में सिर्फ 2 है, मगर 2 में से एक गाड़ी दुबई में सड़ रही है, और इसकी वैल्यू कम से कम $1.3 मिलियन है, मगर तब भी ये गाड़ी दुबई में सड़ रही है। जापान के टोक्यो में घर है जो कि कुछ ऐसा लगता है। दरअसल ये घर जापानीज मांगा आर्टिस्ट का है, और इस घर को डिजाइन टैन यामानोची ने किया है, और ये घर 2022 में बना है। फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग $500 मिलियन की कंपनी खड़ी करने से पहले, और ये इनके हार्डवर्क कॉलेज के रूम्स की फोटोज है। बॉम्बर जो एयरक्राफ्ट है वो 2008 में क्रैश हुआ था, मगर अगर आप उसे गूगल मैप में सर्च करोगे तो ये क्रैश गूगल मैप में भी आराम से विजिबल है, और वो कुछ ऐसा लगता है। प्रीस्ट और मॉन्क्स जो है उन्हें एक बार सर्वर रूम में बुलाया गया, मगर फिर उन्होंने सर्वर रूम्स पे होली वाटर फेंका, यानी कि पवित्र पानी फेंका, लेकिन फिर उसके बाद कंप्यूटर का सिस्टम ही क्रैश हो गया। मेरे ख्याल से कंप्यूटर के अंदर के शैतान भाग गए होंगे। अभी जो इस फोटो को देख रहे हो, इस फोटो के अंदर 2 जापानीज कपल्स है जो कि बेंड डाउन हुए हैं ताकि जो ट्रैवलर है वो माउंट फूजी की फोटो ले सके, और इससे पता चलता है कि जापान के जो लोग हैं वो काफी फ्रेंडली है। एक फोटोग्राफर है जो कि हर सुबह उठ के ब्रिज पे जाके मैक्सिकन कार पुलर्स के फोटो खींचता है, जो कि ये लोग सुबह काम पे जाते हैं, और इनकी फोटो वो फोटोग्राफर हर सुबह खींचता है, और आप देख सकते हो कि कैसा ये लोग काम पे जा रहे हैं। एप्पल के बारे में एक फैक्ट ये है कि अगर आप एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट को लोगे तो उसके कॉर्नर सब एक जैसे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेडियम में मैक्सिमम लोग 3 लाख से 5 लाख बैठ सकते हैं, मगर एक आर्टिस्ट है जिसका के नाम पॉल है, और इसने कॉन्सेप्ट बनाया है जिसमें आप देख सकते हो कि एक ऐसा स्टेडियम है लोगों की कैपेसिटी कम से कम 10 लाख है, यानी कि 1 मिलियन लोग इस मैच को देख सकते हैं, और भाई जो इस रॉ में होगा उन्हें मैच कुछ ऐसी लगेंगी। भाई ये तो छोड़ो, मगर बाथरूम का सोचो कि इतने सारे लोगों के लिए कितने सारे बाथरूम लगेंगे, और यहाँ पे पार्किंग का क्या होगा। किसी भी कंट्री के लोग टूरिस्ट के साथ अच्छे होते हैं, मगर वहीं पे जो स्पेन है वहाँ पे टूरिस्ट के साथ कुछ ऐसा होता है, और वहाँ पे एंटी ग्राफिटी होती है टूरिस्ट के खिलाफ, मतलब कि जिसकी इकोनॉमी टूरिस्ट के दम पे है और वही लोग टूरिस्ट से रूड है। इस फोटो को जो आप देख रहे हो ये दरअसल ब्लैक मंडे का है, और ये स्टॉक मार्केट का सबसे वर्स्ट दिन है, क्योंकि 1987 में वर्ल्ड वाइड
कम से कम 171 ट्रिलियन डॉलर लॉस हुए, मतलब कि इन्होंने इतने सारे पैसे एक ही बारी में खो दिए। मगर सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे पैसे कहाँ पे गए होंगे, क्या मतलब ये सारे पैसे इसराइल को गए। लोग आलसी होते हैं ये तो पता है, मगर इस भाई को देखो। Pulls out of his driveway. All right. And vroom, vroom. There he goes. Let's see if he can make it to work in time. Oh shit. He made it to work. All right. ये जो भी था वो वहां से यहाँ चल के भी आ सकता था। न्यूयॉर्क सिटी में जो औरत है कितनी अनसेफ है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। ये जो लड़की है वो न्यूयॉर्क सिटी में 10 घंटे चलती है, मगर इन 10 घंटे में क्या क्या होता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। Hey, baby. Hey, beautiful. How are you this morning? Have a nice evening. Nice. Damn. Beautiful. God bless. Sexy American Eagle. Hello, good morning. God bless you. Have a good day, right? Good. Hey, look at that. It's $5,000. There you go. You want to talk? Huh? We can be friends. क्या लगता है कि जो रोबोट्स है वो ये काम कर सकते हैं? यार सही में रोबोट्स जो है उन्हें ये भी काम सिखाना चाहिए। आपको ये वाला मीम पता होगा? मगर ये मीम यहाँ पे फीट बैठता है क्योंकि इस गांव का नाम इतना बड़ा है। Well, that was fucking scary. Ah, dear. I'm uninjured. I'm uninjured. Let me. Not sorry. Okay, no, no anger. इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ये भाई शांत है। किस्मत जो है वो सब कुछ बदल सकती है। ये दोनों ओमेगल पे बात कर रहे होते हैं, मगर इसे इसकी गर्लफ्रेंड की ट्विंस मिलती है, मतलब कि इसकी गर्लफ्रेंड की बहन इसे ऑनलाइन मिलती है। Katie, no, I'm not Katie. Stop saying Katie. What are you talking about? You talking to her? Hey, what are you doing? I'm not Katie. That's my girlfriend Hannah, bro. I'm skipping you. You're getting skipped. Bro, what are you talking about, bro? That's literally my girlfriend. You know this guy? I don't know. What do you do with this guy? I don't know him. You do know him. You don't know me. What does that even mean? You're saying that that's not you? That's not me. That's literally you, right? My gosh. I've never seen this guy. You were literally just at my apartment an hour ago. You said you went to go get your nails done an hour ago. I did get my nails done. They're done. Wait. She couldn't have been at your apartment an hour ago. You said you're in Texas. I'm in Tennessee. Do you not see that this is the same person in the picture? No, I see that, but that's also impossible if she was there an hour ago. Where is your girlfriend from? My girlfriend's from California. You're from California? I'm from California. Did you ever get those papers back from the adoption place? You were adopted? Yeah. If it's not my girlfriend, bro, then I'm gonna call her phone right now. Yeah, I'll hear it, yeah. What the fuck? Babe. What? Do you have a twin? No. What's your name? I'm Katie. Were you adopted in San Bernardino, California? Yeah. Babe, I literally think that you guys are twins. We could be. You guys are literally spitting image. We should do a trip. We're going. I booked a flight. They're ready. What? Does she like wear SPF 3000? Does she hate flowers? Yep. Does your girlfriend know how to drive? I wish we were twins. बचपन में सपना होता है बादलों को छूने का, और वैसा ही 3 साल की लड़की पतंग के साथ उड़ गई।
मगर ये सेफ थी भाई। एक होता है मजाक, फिर आता है बड़ा मजाक, और फिर आता है उससे भी बड़ा मजाक। और सेम वैसा इसके साथ देखो क्या मजाक हुआ। दरअसल इसके दोस्त एक बड़ी पार्टी को अरेंज करते हैं और उस पार्टी में इन लोगों ने इसे काफी ज्यादा दारू पिलाते हैं और दारू के अंदर नींद की गोली भी मिक्स करते हैं। और फिर जैसे ही वो सोता है उसके बाद ये उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और इसे पेशेंट के कपड़े पहनाते हैं। और जब ये नींद में से उठता है तब एक डॉक्टर आके इसे कहती है कि तुम 10 सालों से कोमा में थे। और फिर इसका दोस्त कुछ मेकअप बिकअप करके बुड्ढा होके आता है और इसे एक्सप्लेन करता है कि पार्टी के समय तुम गिर जाते हो और फिर तुम कोमा में चले जाते हो। और ये जो और सीरियस तब होता है जब इसका लड़का आता है। और फिर इतना ही नहीं, फिर उसे ये भी कहते हैं कि ये दुनिया पूरी तरह से चेंज हुई है। अभी के इस वीडियो में ये अभी जरा ये वाला मोमेंट देखो। और इससे हमें पता चलता है कि कैमरामैन कभी भी मरता नहीं। अभी आप देख सकते हो कि 300 की स्पीड में कैसा इसका एक्सीडेंट हुआ। आपने ये सुना होगा कि लड़कियों के दिमाग घुटनों में होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये प्रूव करूंगा। टेंशन लेने की बात कोई भी नहीं है क्योंकि ये औरत बाद में रेस्क्यू होती है। जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ये बताया गया कि जो वायरस है वो कितने जल्दी फैलता है। अभी जरा इस वीडियो को देखो। काफी लोग ये कहते हैं कि जो ये लोग हैं, उन लोगों ने टूरिस्ट को खा गए। और फिर एक टूरिस्ट वहाँ से भागता है जो कि इस वीडियो को पोस्ट किया है। मगर रियलिटी में ये प्लेस वारिचोरा रिवर की है और ये रिवर मेघालय में है। और इस वीडियो में जो टूरिस्ट है उन लोगों का वेलकम करने के लिए होटल के स्टाफ बोट्स का वेट कर रहे थे। और काफी लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि मॉरल ऑफ स्टोरी, कैमरामैन नेवर डाई।